भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री परशुराम जयंती की भी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अक्षय तृतीया का जो महापर्व है, उस दिन के पहले पहले आपको अपने घर से कुछ ऐसी वस्तुओं को हटा देना चाहिए जो कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करवा रही है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है, यानी समृद्धि को आने से रोकती है। महालक्ष्मी की कृपा यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धन लक्ष्मी को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अक्षय तृतीया के पहले पहले इन वस्तुओं को अपने घर से जरूर हटा देना चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस बार अक्षय तृतीया का महापर्व 3 मई 2022 मंगलवार के दिन है। तृतीया तिथि का आरंभ 3 मई को सुबह 5:18 से हो जाएगा, जो कि 4 मई को सुबह 7:32 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी सूर्योदय व्यापिनी जो अक्षय तृतीया रहेगी वो 3 मई 2022 मंगलवार के दिन रहेगी। इसी दिन अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाएगा। पूरे वर्ष में जो 3.5 अबूझ मुहूर्त होते हैं, उनमें अक्षय तृतीया भी सबसे बड़ा अबूझ मुहूर्त माना जाता है। जिस प्रकार धनतेरस का महापर्व होता है या दीपावली का महापर्व होता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया भी एक बड़ा महापर्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि नारायण के जो अवतार हुए हैं, यानी भगवान श्री परशुराम का प्रागट्य अक्षय तृतीया के दिन हुआ है, तथा भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के जो 24 अवतार हुए हैं, उनमें भगवान श्री परशुराम तथा नर नारायण एवं हयग्रीव, इन 3 अवतारों का अवतरण अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। इस दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और इसी दिन श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी के चरण दर्शन भी होते हैं। तो इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ मुहूर्त का अर्थ होता है बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम आप संपन्न कर सकते हैं। साथ ही इस बार अक्षय तृतीया के दिन बड़ा ही दुर्लभ महासंयोग निर्मित हो रहा है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पावरफुल ग्रह उच्च राशि में विराजित रहते हैं, लेकिन इस बार सबसे खास बात यह है कि ऐश्वर्य धन लक्ष्मी के कारक शुक्र ग्रह भी अपनी उच्च राशि मीन में विराजित रहेंगे, तथा देव गुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में विराजित रहेंगे, एवं अखिल ब्रह्मांड के न्यायाधीश भगवान श्री शनि देव भी अपनी स्वराशि कुंभ में विराजित रहेंगे। यानी इस बार 5 ग्रह अपनी अपनी जो है शुभ और उच्च राशि में विराजित रहेंगे। यानी स्वराशि तथा उच्च राशि में जब ग्रह रहते हैं तो वो शुभ फलों को प्रदान करते हैं। तो अक्षय तृतीया का दिन बड़ा ही शुभदायी आ रहा है और इस दिन आप बिना पंचांग देखे नए घर के लिए भूमि पूजन कर सकते हैं। नए घर में यदि आप ग्रह प्रवेश करना चाहते हैं तो इस दिन आप नए घर का ग्रह प्रवेश या वास्तु पूजन कर सकते हैं, तथा इस दिन आप नए घर का निर्माण कार्य भी आरंभ कर सकते हैं। नए कार्यालय का आप शुभारंभ कर सकते हैं तथा पदभार ग्रहण भी इस दिन आप कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे खास माना जाता है, तथा इस दिन आप भूमि भवन वाहन या सोना चांदी भी खरीद सकते हैं। इस दिन सोना खरीदना सबसे शुभ और कल्याणकारी माना जाता है।
इसी तरह आप अपने ग्रह उपयोगी कोई भी नई वस्तु यदि अक्षय तृतीया के दिन खरीदेंगे तो वो आपके जीवन के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। आपके जीवन में शुभ लाभ के साथ में स्थायित्व वह प्रदान करेगी। यदि आपके घर में किसी कन्या का विवाह संपन्न हुआ है और यदि आप उसको पहली बार लेने जा रहे हैं तो द्विरागमन का सबसे अच्छा मुहूर्त यदि रहेगा तो वो अक्षय तृतीया का रहेगा। साथ ही इस दिन आप मुंडन संस्कार कर सकते हैं और भी अन्य समस्त शुभ कार्यों के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ है। इस दिन आप बिना मुहूर्त देखे, बिना पंचांग देखे शुभ कार्य संपादित कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का पूरा दिन और पूरी रात्रि शुभ फलदायी रहेगी। वैसे तो इस दिन आपको कोई भी मुहूर्त देखने की, कोई भी समय देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस दिन का पूरा समय, पूरा काल अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तो इस दिन आप बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम जो आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी तरह यदि आप कोई भी सिद्धि साधना करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, टोने टोटके करना चाहते हैं या कोई भी इष्ट साधना यदि आप करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया से बड़ा दिन आपके लिए इस समय कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वैशाख का महीना स्वयं माधव मास कहलाता है और साक्षात नारायण का स्वरूप वैशाख का महीना होता है। अक्षय तृतीया का दिन दान पुण्य के अलावा खरीदारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी ग्रह उपयोगी वस्तु खरीदे, इसके अलावा आप इस दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह अक्षय हो जाएगा। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं होता है उसे अक्षय कहा जाता है। यानी इस दिन जो भी आप खरीदारी करेंगे वो भी अक्षय हो जाएगी। यदि आप कोई भी दान पुण्य करेंगे वो भी आपके जीवन के लिए अक्षय पुण्यकारी फल देगा। इसी दिन अक्षय पात्र को जो है भगवान ने जो है पांडवों को दान दिया था। साथ ही भगवान श्री द्वारकाधीश ने सुदामा को जो इस दिन वरदान दिया था, क्योंकि उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनके हाथ से चावल खाए थे और सुदामा को अक्षय समृद्धि का वरदान भी भगवान ने इसी दिन प्रदान किया था। तो अक्षय तृतीया का दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध और अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन तांबा, पीतल या सोना चांदी के बर्तन खरीदना सबसे शुभ कार्य माना जाता है। धातु का खरीदना, जिस प्रकार हम धनतेरस पर खरीदारी करते हैं उसी प्रकार अक्षय तृतीया के दिन भी खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। जो भी वस्तु आप अपने घर में लेकर आएंगे वह आपके जीवन के लिए स्थायी समृद्धि प्रदान करेगी, यानी समृद्धि लेकर आएगी। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन शंख अवश्य खरीदना चाहिए, क्योंकि शंख साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं और इस दिन आप अष्ट लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, स्थाई लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसी वस्तुएं जो हम बताने जा रहे हैं उनको अक्षय तृतीया आने से पहले पहले आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में नकारात्मकता रहती है वहां पर अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का वास रहता है। माता महालक्ष्मी की एक और बहन है जिनका नाम अलक्ष्मी है। अलक्ष्मी का अर्थ होता है दरिद्रता और लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख, शांति और समृद्धि। तो अगर आप अपने घर की गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं, दरिद्रता को समाप्त करना चाहते हैं, कंगाली को समाप्त करना चाहते हैं और अपने घर में माता महालक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है माता महालक्ष्मी साक्षात नारायण के साथ में पृथ्वी पर आएगी, भूमि पर आएगी और जिन घरों में सकारात्मक ऊर्जा होगी उन घरों में माता महालक्ष्मी का निवास होगा। तो सबसे पहले अक्षय तृतीया के दिन आप सुबह जल्दी उठे और जल्दी उठ करके स्नान कर लेवे, शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें।
तथा अक्षय तृतीया के दिन मुख्य द्वार पर आपको जल छिड़कना चाहिए। हो सके तो गंगा जल, तीर्थ जल आप इस दिन अपने मुख्य द्वार पर छिड़क दीजिएगा। यदि तीर्थ जल नहीं मिले तो गौमूत्र भी आप छिड़क सकते हैं, और यदि कच्चा घर है तो गोबर से लीप करके मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं तथा मुख्य द्वार पर बंदरवार बांधे, और मुख्य द्वार के दोनों तरफ आपको शुद्ध घी का दीपक इस दिन प्रज्वलित करना चाहिए। मुख्य द्वार पर शुभ लाभ, स्वस्तिक के चिन्ह और श्री का चिन्ह आपको लगाना चाहिए, या फिर सिंदूर के द्वारा भी आप शुभ लाभ और स्वस्तिक का चिन्ह अपने मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। और घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई रखें, पूरे घर को सुव्यवस्थित रखें और घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा और कचरा न रखें। साथ ही ध्यान रखें कि अपने जो जूते चप्पल आप रखते हैं मुख्य द्वार के आसपास, उनको ढक करके या छुपा करके इस दिन रखना चाहिए, तथा झाड़ू को भी खुली नहीं रखना है, झाड़ू को इस दिन छुपा करके रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आपके घर की झाड़ू टूटी फूटी हुई हो तो आप नई झाड़ू ला करके इस दिन अवश्य रखें। अक्षय तृतीया के दिन नई झाड़ू खरीदना लक्ष्मी कारक माना जाता है। झाड़ू ला करके उसकी पूजा करें, और पुरानी झाड़ू यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है तो उसको विसर्जित कर देवे, यानी अपने घर से हटा देना, क्योंकि पुरानी झाड़ू में दरिद्रता का वास होता है, गरीबी का वास होता है। इसलिए आप पुरानी टूटी फूटी झाड़ू को अपने घर से हटा देवे और नई झाड़ू ला करके झाड़ू का पूजन अवश्य करें। हमारा घर का जो रसोई घर होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। रसोई घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास माना गया है, और अन्नपूर्णा के निवास स्थान को पवित्र रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किसी भी परिस्थिति में आपको अपने घर में झूठे बर्तन रात्रि के समय नहीं रखना चाहिए। यानी एक दिन पहले यदि आपने भोजन तैयार किया है तो आप जो भोजन कर चुके हैं और झूठे बर्तन यदि आपने रसोई में रखे तो आपके घर में दरिद्रता का निवास हो जाएगा, इसलिए झूठे बर्तन आपको हटा देना चाहिए। और पूरे रसोई घर को, किचन को आपको साफ सुथरा इस दिन रखना चाहिए। साथ ही ध्यान रखें कि यदि आपके घर में रोटी बनाने का जो तवा है वह टूटा फूटा है तो उसको सुधरवा लीजिएगा। रसोई घर में टूटा फूटा तवा यदि रहता है तो घर में दरिद्रता आती है, कंगाली आती है, गरीबी आती है, तो आप टूटे फूटे तवे को सुधरवा करके, सुव्यवस्थित करके, साफ सुथरा करके घर में रखें, और यदि संभव हो तो नया तवा खरीद कर भी आप अपने घर में इस दिन रख सकते हैं। साथ ही जिन चकला बेलन पर, यानी चकोटा बेलन जिसे कहा जाता है, जिसके ऊपर रोटियां बनाई जाती है, चकोटा बेलन, चकला बेलन भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। लकड़ी के जो चकोटा बेलन होते हैं, अक्सर माताएं बहनें टूटे फूटे चकले बेलन का कई दिनों तक उपयोग करती रहती है। यह बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि टूटे फूटे चकले बेलन यदि आपके रसोई घर में होंगे तो आपके घर में दरिद्रता आने लगेगी, तो आप तुरंत ही चकला बेलन को, जो टूटे फूटे हैं, उनको हटा दीजिएगा और नए चकोटा बेलन आप रसोई घर में स्थापित कर दीजिए। साथ ही अपना जो रसोई घर होता है उसमें एक पानी का मटका अवश्य रखना चाहिए। नया मटका अक्षय तृतीया के दिन रसोई घर में यदि स्थापित किया जाता है तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव और अष्टलक्ष्मी का निवास होगा। जो हमारा मटका होता है वह भी टूटा फूटा और खंडित नहीं होना चाहिए। यदि खंडित और टूटा फूटा मटका यदि आपके घर में रखा हुआ है तो उसको आप तुरंत हटा दीजिएगा, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन नया मटका घर में ला करके रसोई घर में आपको स्थापित करना चाहिए और उसमें जल भर करके अवश्य रखना चाहिए। यदि आपके घर में पानी का फिल्टर लगा हुआ है तो भी आपको एक मटका तो रसोई घर में अवश्य रखना चाहिए। जिस घर की रसोई में एक मटका पानी भरा हुआ रखा जाता है और उस मटके का जल प्रतिदिन बदल करके दूसरा जल उसमें भरा जाता है,
उस घर में कभी भी जो है दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता है, गरीबी का प्रवेश नहीं होता है। उस घर में केवल और केवल अष्ट लक्ष्मी ही प्रवेश करती है, स्थाई लक्ष्मी प्रवेश करती है, धन लक्ष्मी प्रवेश करती है तथा उस घर परिवार में सुख शांति समृद्धि अवश्य में बनी रहती है। साथ ही हम देखते हैं कि जब हमारे जूते और चप्पल जिनको हम पहनते हैं वो जब टूट जाते हैं या फट जाते हैं तो भी हम उनको घर से बाहर नहीं फेंकते हैं और घर में उनको संभाल संभाल करके रख लेते हैं। टूटे और फटे हुए जूते चप्पल भी घर में नहीं रखना चाहिए। टूटे फटे जो जूते चप्पल होते हैं उनके कारण घर में नकारात्मकता का निवास होने लगता है और घर की शांति छीनने लगती है। तो यदि आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को चाहते हैं, लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, तो टूटे और फटे हुए जूते चप्पल आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, यानी घर से बाहर उनको फेंक देना चाहिए। इसी प्रकार जो घर में बर्तन होते हैं, गिलास होते हैं, तपेली होती है, थाली होती है या अन्य कोई भी बर्तन जो हम उपयोग में लेते हैं वो भी टूटे फूटे नहीं होना चाहिए। तांबे का लोटा भी यदि आपके घर में है तो वो भी कटा फटा और टूटा नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी पात्र जब खंडित हो जाता है तो उसको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे बर्तन या अन्य जो भी टूटे फूटे या फिर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान भी हमारे घर में नहीं होना चाहिए। बंद घड़ी है तो उसको भी हटा दीजिएगा, बंद प्रेस है उसको भी हटा दीजिएगा। यदि कोई भी कूड़ा करकट या फिर ऐसा सामान है जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं और वह अनावश्यक रूप से घर में भरा हुआ है, कूड़ा कचरा रद्दी भी भरा हुआ है, तो आप अपने घर से अक्षय तृतीया के पहले पहले इन सब जो है टूटी फूटी और वेस्टेज सामग्री को घर से बाहर अवश्य निकाल दीजिएगा। यदि आप इन वस्तुओं को अपने घर से निकाल देंगे तो आपके घर में निश्चित मानिएगा कि अष्टलक्ष्मी का आगमन अक्षय तृतीया के दिन होगा और सभी प्रकार से आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन अपने आप में शुभ फलदायी है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त देख करके, शुभ चौघड़िया देख करके आप कोई भी सामान की खरीदारी करना चाहते हैं तो 3 मई 2022 मंगलवार के दिन सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का। यानी पहला मुहूर्त जो आरंभ होगा वो सुबह 9 बजे से आरंभ होकर के दोपहर 1:30 पर समाप्त हो जाएगा तथा दूसरा जो शुभ मुहूर्त आरंभ होगा वो दोपहर के पश्चात यानी अपराह्न 3 बजे से आरंभ होकर के 4:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद जो अगला और अंतिम मुहूर्त रहेगा वो रात को 7:30 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 9 बजे तक रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप अपने घर में एक शुद्ध दीपक, शुद्ध घी का दीपक अपने पूजा स्थल पर प्रज्वलित करें तथा उसमें थोड़ी सी हल्दी या केसर आपको डाल देना चाहिए। ऐसा दीपक यदि आप अक्षय तृतीया के सायंकाल में अपने पूजा घर में लगाएंगे तो आपके घर में महालक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। साथ ही यदि आप स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप जो है 5 कौड़ियां बाजार से खरीद कर लाकर उनको हल्दी से पीली कर लीजिएगा और 5 कौड़ी को एक पीले कपड़े में बांध दीजिएगा। उनके साथ में आपको थोड़ा सा जो है धनिया भी रख देना है और उस पुटली को बांध करके अपनी तिजोरी में या धन रखने के स्थान में लाकर में रख देना चाहिए। यह उपाय आप अक्षय तृतीया की रात्रि में कर सकते हैं। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन यदि आप नया पर्स खरीद करके लाते हैं या नया बैग जिसको पैसे रखने के उपयोग में आप लेने वाले हैं, ऐसा बैग यदि आप खरीद करके लाते हैं तो आपके घर में समृद्धि का वास होगा। और अक्षय तृतीया के दिन यदि आप माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप महालक्ष्मी का बीज मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः इसका भी जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अपने इष्ट मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं।
अक्षय तृतीया के दिन एक कलश के ऊपर एक फल रख करके, यानी अक्षय तृतीया के दिन यदि आप मिट्टी के कलश पर खरबूजा रख करके उस पर एक स्वस्तिक बना करके ब्राह्मण को दान करेंगे, जल कलश का दान इस दिन किया जाता है, खरबूजा रख करके कलश का दान किया जाता है, तो वह अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। यह दान आप किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं, किसी भी विद्वान ब्राह्मण को आप कर सकते हैं। इसी तरह अक्षय तृतीया के दिन अन्न दान का भी बहुत महत्व माना गया है। ब्राह्मण को आटा दाल चावल सीधा सामग्री इस दिन दान करना चाहिए, तथा इस दिन वस्त्र दान का भी सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त कर्म करता है, पितरों के निमित्त गौ दान करता है, पितरों के निमित्त पिंड दान करता है, या फिर पितरों के निमित्त तर्पण अथवा श्राद्ध भी यदि करता है, तो वह भी अक्षय पुण्य फल अपने पितरों को प्रदान करवाता है। और इस दिन आप चाहें तो पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए श्राद्ध या पितृदोष शांति कर्म भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। इस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा, श्रेष्ठ कर्म किया जाएगा, वह मनुष्य के जीवन के लिए अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होगा तथा स्थायी फल प्रदान करेगा। अक्षय तृतीया के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा अथवा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा अक्षय तृतीया के दिन आपको गलत, अनैतिक अथवा कोई भी पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन दाढ़ी कटिंग, शेविंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना और कटवाना भी नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन विवाहित दंपत्ति को, यानी पति पत्नी को, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और अक्षय तृतीया के दिन अधिक से अधिक भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए, भगवान के कीर्तन करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था, उनका अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान श्री परशुराम जी का विशेष पूजन अर्चन करके उनकी आरती भी अवश्य करना चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप अक्षय तृतीया के निमित्त अन्न दान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, जल कुंभ का दान करना चाहते हैं, फल का दान करना चाहते हैं, भूमि का दान करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी दान पुण्य यदि अक्षय तृतीया के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, या फिर फोन पे के माध्यम से, या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अक्षय तृतीया का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।